ड्राइविंग, मैं खुद कलेक्टर हूँ पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऐसे मेरे जैसे कितनी महिलाएं होंगी। तो ड्राइविंग कोर्सेज बैचेस में हम उन्हें कराएं, क्योंकि ड्राइविंग आज एक एसेंशियल लाइफ स्किल बन चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने ज़िले के लिए एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अभियान मरु उड़ान, आज सेक्रेटरी सर किसी अन्य चीज़ के लिए विजिट पे थे तो हम काफ़ी लकी थे कि वो हमारे पास आज थे, तो हमने उनसे विमोचन कराया। ये प्रोग्राम एक जिला स्तरीय पहल है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के हम प्रयास करेंगे अभी कमिंग 3 मंथ्स के लिए। 3 महीने हमारा फेज़ 1 रहेगा, फिर उसके बाद हम आंकलन करेंगे कि कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। बारमेर में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत न्यूज़ कॉमन है कि कोई महिला डिप्रेशन से अपने बच्चों के साथ टंके में कूदकर उसने अपनी जान दे दी, इस टाइप की इतनी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए हमने पूरे जिला प्रशासन ने सोचा कि हमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी के तहत हमने ये छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन करा अपने ज़िले के लिए। इसमें हम 2 स्तर पर काम करेंगे, एक प्रत्येक ब्लॉक में एक संवाद कार्यक्रम रहेगा जो एक ट्रेडिशनल स्टेज और ऑडियंस सेटअप में ना रहकर महिलाओं को छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग मुद्दों पर ट्रेनिंग, जानकारी और उनके कोई प्रश्न हैं तो उसका उत्तर जिला हेडक्वार्टर की टीम्स द्वारा दिया जाएगा। तो ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम की भी क्वालिटी जिले लेवल के कार्यक्रम की क्वालिटी के बराबर रहेगी, क्योंकि हम टीम्स को हर प्रत्येक ब्लॉक में ट्रैवल कराएंगे। उस टीम में एक तो सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रहेगा, एक काउंसलर रहेगा जो अगर कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग दे पाए, डॉक्टर्स रहेंगे एंड न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाड़मेर की काफ़ी महिलाएं एनीमिक हैं, कैल्शियम से डेफिशिएंट हैं, तो उनको हेल्थ पे कैसे फोकस करना चाहिए, उनकी हेल्थ चेकअप व उनको और इन्फॉर्मेशन कि वो अपना न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ कैसे अच्छे करें। फिर ऑफकोर्स सरकार की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिनसे उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं, पर क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती उतनी तो वो उनका लाभ नहीं उठा पाते, तो सरकारी योजनाओं से जोड़ना। और चौथा, वो किसी भी स्तर पर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता हो तो उनको वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कर उनको पर्टिकुलर प्रोग्राम की तरफ ओरिएंट करना। तो एक तरफ तो हमारा पूरे ज़िले में ब्लॉक लेवल पे ये कार्यक्रम रहेंगे, दूसरा जिला स्तरीय हमने कुछ बड़े यूनिक कार्यक्रम डिज़ाइन करे हैं जिससे जितनी महिलाओं को हम उनमें लाभान्वित कर सकें कर पाएँ। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप, हम बॉम्बे से डॉक्टर साहब को लाएंगे जो इस बारे में सबको यहाँ पे अवेयर करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप भी होगा। आपने देखा होगा कि बहुत महिलाएं अपनी छोटी छोटी सेविंग्स रखती हैं गहनों में, या अपनी छोटे छोटे अमाउंट्स बचाती रहती हैं साल में, पर उन्हें पता नहीं होता कि मैं अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को कैसे मल्टीप्लाई करूं। तो एक बस महिलाओं के लिए सेशन कि वो अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करें, उसको कैसे ग्रो करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा सोसाइटल सेटअप ही ऐसा है कि हम हमेशा पुरुषों पर इसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसमें उनका कुछ आत्मनिर्भरता आए। ड्राइविंग, मैं खुद कलेक्टर हूँ पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऐसे मेरे जैसे कितनी महिलाएं होंगी। तो ड्राइविंग कोर्सेज बैचेस में हम उन्हें कराएं, क्योंकि ड्राइविंग आज एक एसेंशियल लाइफ स्किल बन चुकी है। साथ में बाड़मेर की अगर हम बात करें तो यहाँ मिलेट्स का इतना उत्पादन होता है जो कि आजकल सुपर फूड की श्रेणी में आता है, तो सुपर फूड प्रोडक्शन मार्केटिंग, इस पर एक स्पेशल कोर्स। और ऐसे अन्य कार्यक्रम हैं, हमारे यहाँ इतनी महिलाएं बच्चियां इतना अच्छा पढ़ाई कर रही हैं, काफ़ी बार करियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, करियर गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती, तो करियर काउंसलिंग, हेल्थ कैंप्स, ऐसी बहुत अन्य चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि इसमें आप लोगों का भी योगदान रहेगा कि हमारा जो हम ये छोटा सा इनिशिएटिव चला रहे हैं आप उसे हर महिला तक पहुंचाएं। और जितने भी कार्यक्रम हैं, एक तो रूरल एरियाज़ में भी हम हर ब्लॉक पे कर रहे हैं, और हमने वेन्यू भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिया है कि बहुत अच्छा ग्राउंड, और जहाँ महिलाओं का वैसे ही आवागमन है, बालिकाओं का आवागमन है, वहाँ पे उनको आने में भी कोई संकोच नहीं हो, वो आराम से आ पाएँ। तो रूरल एरियाज़ भी कवर कर रहे हैं और सिटी में भी, जितनी सिटी पॉपुलेशन जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत एजुकेटेड है उनको और कैसे हम लाभान्वित कर सकें। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जितने लोगों को टच कर पाएँ हम टच कर पाएँ। मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। घर से शिविर तक पहुंचने के लिए महिलाओं को कैसे, मतलब जी बिल्कुल, मैंने अपने प्रत्येक SDM, तहसीलदार और BDO
को हमने दो दिन से हमारे इवन हमारी पूरी मशीनरी के साथ वीसी के माध्यम से और फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस हो उनका चिन्हीकरण तो हो जाए और अगर उन्हें लाने ले जाने में भी दिक्कत हो तो हम उसे असिस्ट करें। जो सेक्रेटरी साहब भी आए थे उन्होंने हमें पूरा अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अश्योर किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ही हमारे पास जो ऑलरेडी जिला में अवेलेबल बजट है हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे कि कार्यक्रम में वास्तव में लोग आ पाएँ, अच्छे से आ पाएँ बिना दिक्कत के और लाभान्वित होकर जाएँ। स्पेशल डॉक्टरों की टीम कहाँ कहाँ से आएगी? अभी स्पेशल डॉक्टरों की टीम, जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो एक तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हमारे यहीं बाड़मेर ज़िले के ही एक हमने जोधपुर से बुलाए हैं। बाकी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बॉम्बे से ला रहे हैं और ऐसे कुछ और एक कोई झारखंड से भी आ रहे हैं। कुछ अलग अलग चीज़ों में हमने करा है, अभी कुछ और फाइनलाइजेशन बाकी भी है।